हाँ माही का कल बर्थडे है बर्थडे, तो जरा कुछ तो सब सब बोल लोग मनाएंगे बर्थडे, और क्या हम कल ट्रैवल इसके बारे में कुछ तो बोल। क्या बोलूँ यार, बर्थडे थर्ड अभी यार, बर्थडे में क्या बोला जाता है, हैप्पी बर्थडे यही तो बोला जाता है। मैं थोड़ा यू नो, अगर आप मुझे देखें तो मैं थोड़ा एक मिक्स्ड ब्रीड जो बोलते हैं उस तरीके का हूँ। मेरे जो मम्मी और पापा हैं वो पहले यूपी हुआ करता था, फिर नया स्टेट बना तो उत्तराखंड हो गया, तो ओरिजिनली वो वहाँ से आते हैं। मेरा जन्म रांची में हुआ जो कि बिहार था, अब झारखंड हो गया है। फिर मेरी जो फर्स्ट जॉब लगी वो रेलवेज में थी, मैं खड़गपुर में था। बंगाली मुझे बहुत अच्छे से आती है। महेंद्र सिंह धोनी, भरोसे का दूसरा नाम। माही है तो मुमकिन है, ये भरोसा धोनी ने जीता है साल दर साल मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देकर। ये भरोसा धोनी ने जीता है 2007 में T20 वर्ल्ड कप जिताकर। ये भरोसा धोनी ने जीता है 28 साल का सूखा खत्म कर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताकर। ये भरोसा धोनी ने जीता है चैंपियंस ट्रॉफी जिताकर। आज महेंद्र सिंह धोनी के जन्मदिन पर हम आपके लिए लेकर आए हैं धोनी की कहानी, और इस कहानी को खास बनाएंगे धोनी से जुड़े बेहद खास लोग। उस माँ को भी प्रणाम करता हूँ, माँ बाप को, जिन्होंने इस ऐसे हीरे जैसे बच्चे को जन्म दिया, और कहाँ से निकला और किस वर्ल्ड में उसने हिंदुस्तान का, मेरे भारत देश का नाम रोशन किया है। देखिए, अभी जो बर्थडे विश है वो तो दिल से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रांची के हर खेल प्रेमी क्रिकेटर्स खिलाड़ी उसको विश करेगा। मैं उनको उनके जन्मदिन पे तहे दिल से शुभकामना देता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो अपने क्रिकेट में योगदान देते हैं। Want to wish MS Dhoni a very very happy birthday. Happy birthday, Mahi. 7 जुलाई 1981 को जन्मे महेंद्र सिंह धोनी को स्कूल डेज में क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल में इंटरेस्ट था। वो DAV जवाहर विद्या मंदिर स्कूल टीम के गोलकीपर थे, और फिर एंट्री होती है स्कूल के कोच केशव बैनर्जी की। देखिए, उस टाइम में वो गोलकीपिंग करता था, गोलकीपिंग में अच्छा बॉल ग्रिप करता था, तो हम सोचा जो जो ग्रिपिंग सेंस उसके पास इतना बढ़िया है, वही ग्रिपिंग सेंस को हम विकेट में क्रिकेट में कहीं यूज करते। तो उसी विकेट कीपर शायद नहीं आया था, मेरा स्कूल का विकेट कीपर नहीं था, वो तो लंबा स्टोरी सब जानते हैं। तो उसी सेंस में हम उसको फुटबॉल से क्रिकेट में लेके आए, 1.5 साल 2 साल विकेट के पीछे कीपिंग प्रैक्टिस करा, उसके बाद वो धीरे धीरे फुल फ्लेज विकेट कीपर बन गए थे। MSD ने अपने कैरियर की शुरुआत यहीं से की थी, इसी स्कूल में वो पढ़ते थे और इसी मैदान से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, और यहाँ से जब वो लंबे शॉट्स खेलते थे तो जो विंडो पैंस दिख रहे हैं उसके तमाम जो सामने विंडो पैंस हैं सब में उन्होंने शीशे तोड़े हैं, और उसको आज भी मेमोरी के रूप में रखा गया है। विंडो पैंस में जो ब्रोकन ग्लासेस हैं उसको नहीं बनवाया गया है ताकि ये याद रहे कि एक महान क्रिकेटर ने, उनका जो इमरजेंस हुआ था यहीं से हुआ था, और इसीलिए उन शीशों को भी नहीं बनवाया गया है। स्कूल क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंसेस के बदौलत कम ही समय में महेंद्र सिंह धोनी ने बिहार के एज ग्रुप क्रिकेट में भी अपनी जगह बना ली थी। सबसे पहले 96 में मैंने उनको टीम में देखा था, और उस समय बिहार टीम के कोच हुआ करते थे। सबसे पहले उन्होंने बीनू मांगकर ट्रॉफी के सिलेक्शन हुआ जिसके कोच हम थे, हम लोग दिल्ली गए थे, और वेल डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, अगर 100 में किसी मास्टर को नंबर देना है तो मैं उसको 97-98 तक दे सकते हैं। साल 1997, 16 साल के महेंद्र सिंह धोनी ने स्कूल क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाकर धूम मचा दी। धोनी ने कोच केशव बैनर्जी से रिक्वेस्ट की, उस मैच में ओपन किया और चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। बैटिंग तो उसको नेचुरल था, वो कॉस्को बॉल का प्लेयर था, नेचुरल बैटिंग था उसको, हमको कुछ चेंज नहीं कराया, वो नेचुरल को आदमी चेंज नहीं करना चाहिए। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं क्रिकेट खेलूंगा या मैं अपने देश के लिए क्रिकेट खेलूंगा। मैं सिर्फ जो स्पोर्ट था वो एंजॉय करना चाहता था। 4 बजे मुझे पता था मेरे घर में खेलने का परमिशन था, 4 से 6 आप खेल सकते हैं। स्कूल हमारा 1:30-1:40 तक ख़त्म हो जाता था, तो हम लोग एंजॉय करते थे। और उसके बाद जब हमारा गर्मियों की जो छुट्टियाँ होती थी तो स्कूल में जो हमारा क्रिकेट का सामान था वो लेके हम 15-20 दिन का कैंप करते थे, आपस में मैचेस खेलते थे,
तो सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता चला गया। एक ब्रेक मिला जिससे मैं अंडर 16 और अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट खेला, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट को मैंने रिप्रेजेंट किया। उस वक्त धोनी माही नहीं बल्कि मही के नाम से जाने जाते थे और मही मार रहा है रांची में मानो एक नारा सा बन चुका था। 1998 में देवल सहाय ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की क्रिकेट टीम के लिए धोनी को पिक किया और साथ ही साथ उनके लिए आई एक और खुशखबरी। खुशखबरी थी बीट ऑल स्पोर्ट्स की स्पॉन्सरशिप। महेंद्र सिंह धोनी से 1998 में हमारे एक दोस्त परमजीत सिंह, जिसको कि छोटू भैया के नाम से जाना जाता है, उसने इंट्रोड्यूस करवाया। वो एक स्पोर्ट्स की शॉप रांची में करते थे और जब भी वे मेरे पास आते थे, तीन चार बार पांच बार वो मेरे पास आए और महेंद्र सिंह धोनी का विशेष तौर पर जिक्र करते थे कि एक ऐसा उभरता हुआ सितारा है, आप अंकल इसको साइन करो, ये बहुत आने वाले समय में ये इंडिया रिप्रेजेंट करेगा, बहुत अच्छा प्लेयर है। इसको करीब 6 महीने आपस में बातचीत करें, हम डिसाइड नहीं कर पाया मैं कि इसको साइन करूं या ना करूं। एट लास्ट जब मेरे को लास्ट आएगा कि नहीं आए तो मैंने अंकल कितने जरूर साइन करूँ उसको। आफ्टर 7 और 8 मंथ्स के बाद जब मुझे प्रॉपर कन्विंस किया कि अच्छा प्लेयर है, तो मैंने डिसाइड करके उसकी पूरी कम्प्लीट किट, विकेट कीपर ग्लव लेकर सारा किट उसको मैंने उस समय 1999 में उसको किट भेजी गई और उसके बाद से उसने हमारी किट फर्स्ट किट का जो वो हमने उसको भेजी। धोनी बिहार की अंडर 19 टीम में जगह बना चुके थे। अब वक्त था कूच बिहार ट्रॉफी के फाइनल का। दिसंबर का महीना, सामने थी पंजाब की टीम। जनवरी में होना था अंडर 19 वर्ल्ड कप, तो धोनी के पास एक अपॉर्चुनिटी भी थी। धोनी ने 84 रन भी बनाए, लेकिन उस मैच के हीरो थे पंजाब के कप्तान युवराज सिंह। युवराज ने उस मैच में जड़े 358 रन। बहुत अच्छा मैच हुआ, जिस बार उसी बार युवराज सिंह का इंडियन टीम में फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था उसी मैच के आधार पर 1999 में, और इसका नहीं हुआ 19 का कैंप में भी नहीं हुआ। और एक जो शॉट है जो आज तक हमें याद है कि एक छौ, आपको जो मैंने इसके पहले चर्चा की, एक छौ मारा था उस समय राजेंद्र सिंह सिलेक्टर हुआ करते थे, उसका ठीक बैठे हुए थे ग्लास के अंदर, वहाँ जाके बॉल गिरा, तो हम मने मन सोचा चलो एगो सलामी तो दे दिया है, लेकिन जब टीम में नहीं हुआ तो काफ़ी मायूस था। उन्होंने बोला कि सर खेल के क्या होगा, सर खेलने से, अरे तुम घंटी तो बजाया, थोड़ा तेज घंटी बजाओ जो सुनाई नहीं दिया, तो अगला बार थोड़ा घंटी तेज बा, तो उसके बाद वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, वो घंटी इतना तेज हो जाए। धोनी को इंडिया अंडर 19 टीम में तो जगह नहीं मिली, पर जनवरी 2000 में धोनी ने रणजी ट्रॉफी में बिहार की तरफ से डेब्यू किया। अगले सीजन में उन्हें ईस्ट जोन से दुलीप ट्रॉफी के लिए कॉल भी आया, पर स्टेट एसोसिएशन की पॉलिटिक्स के चलते धोनी तक सही समय पर कॉल लेटर पहुंच नहीं पाया। जो आप देखे होंगे पिक्चर में भी देखे होंगे कि वो टीम फ्लाइट नहीं पकड़ पाए। हाँ हाँ, ये सबसे मजेदार केस है। उस मैच में वो 12th मैन था। फिल्म में देख के बहुत आदमी को ये हुई है कि भाई वो गया नहीं, गया नहीं, वो 12th मैन था। और बहुत ही हम उस समय के जो दमदम एयरपोर्ट के सुपरिंटेंडेंट थे उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने रिक्स में धोनी को एक्स्ट्रा अलग फ्लाइट में, सुबह 5 बजे फ्लाइट थी जो पकड़ नहीं पाए, लेट हो गया था, कुआसा था, यहाँ से जाने में थोड़ा लेट हुई थी, गाड़ी पंक्चर हो गया था, उस समय उन्होंने धोनी का नाम सुना और उनको अलग फ्लाइट से भेजा, जो कि आज धोनी बना। ये बहुत बड़ा चीज़ है जो बहुत कोई नहीं जानते हैं, और सिनेमा में जो दिखाया गया वो भी नहीं है, वो गया था। और उस सुपरिंटेंडेंट का हम आज शुक्रगुजार हैं, शायद मिस्टर पॉल थे, उन्होंने अपना रिक्स में उसको भेजा था। क्रिकेट के साथ साथ अब धोनी को नौकरी की भी तलाश थी। साल 2001 में महेंद्र सिंह धोनी ने स्पोर्ट्स कोटे के जरिए साउथ ईस्टर्न रेलवेज में अप्लाई किया। उन खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने अपने देश के साथ साथ रेलवे को भी गौरवान्वित किया है। स्पोर्ट्स कोटा के जरिए 2001 में उन्होंने रेलवे को ज्वाइन किया। मैं और माही एक साथ 2001 में शीर्षक खड़गपुर में रेलवे में ज्वाइन किया था एज ए क्रिकेट प्लेयर, और उस समय हमारे DRM गांगुली सर थे जिन्होंने धोनी को शीर्षक खड़गपुर रेलवे टीम में ज्वाइन कराया, क्योंकि वो बहुत ही फॉलो करते थे सभी गेम को, सभी प्लेयरों को, तो माही को उन्होंने फॉलो किया और उन्होंने माही को इन्वाइट किया कि शीर्षक खड़गपुर में ज्वाइन करें, और खुद उन्होंने उसका ट्रायल लिया, जैसा आपने मूवी में भी देखा है, तो काफ़ी सेटिस्फाई हुए कि माही के बारे में कि वो बहुत अच्छा प्लेयर है। उस समय माही रणजी ट्रॉफी खेल रहा था, और उसके बाद जब 2001 में हम लोग दोनों ज्वाइन किए तो माही और मैं, हम लोग रूम पार्टनर थे। ट्रायल्स के बाद धोनी को क्रिकेट टीम में तो जगह मिली, साथ ही साथ उन्हें खड़गपुर में
टिकट कलेक्टर की नौकरी भी मिली। खड़गपुर में ही महेंद्र सिंह धोनी ने टेनिस बॉल टूर्नामेंट्स खेलना शुरू किया और अपनी सिक्स हिटिंग एबिलिटीज से सबको इंप्रेस किया। मैं और माही यहाँ पे जब हम लोग ज्वाइन किए तो यहाँ पे टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत पॉपुलर था, तो हम और माही और हमारे जय शुक्ला सीनियर प्लेयर थे, जय शुक्ला, हम लोग तीनों जन एक साथ यहाँ टेनिस बॉल बहुत सारे मैच खेलते हैं। यहाँ पे बहुत टेनिस बॉल पॉपुलर है यहाँ का मैं गेम, तो हम लोगों ने पार्ट टाइम के लिए उसको खेलना शुरू किया। उसमें इम्प्रूवमेंट भी बहुत हुई माही की बैटिंग में, और आपको स्पेशली बता दें कि उससे माही अच्छा तेज टेनिस बॉल अच्छा तेज गेंदबाजी करते थे। हमने एक यहाँ टूर्नामेंट भी जीता था जो आपने मूवी में देखा है कि धोनी कैसे टेनिस बॉल मारते हैं हेलीकॉप्टर शॉट, तो वो टूर्नामेंट यहाँ पर होता था। उस समय भारी भारी की टीम आती थी और हमने फर्स्ट साल ही खेला, और वहाँ पर हम लोगों ने फर्स्ट साल ही टूर्नामेंट जीता था। उसमें आपको बता दें कि माही एज ए बेस्ट बॉलर टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर हुए थे, जबकि वो अच्छी बैटिंग करते, बट उस टूर्नामेंट में माही ने सबसे अच्छी गेंदबाजी की थी और वो बेस्ट बॉलर हुए थे उस टूर्नामेंट में। तो हम लोगों ने बहुत सारा यहाँ पर टेनिस बॉल मैच खेला और उसमें उनका इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा होता था। हम लोग जब भी टाइम मिलता था हम लोग टेनिस बॉल क्रिकेट को एंजॉय करते। साल दर साल धोनी का गेम बेहतर होता गया और 2003-2004 सीजन में महेंद्र सिंह धोनी ने डोमेस्टिक क्रिकेट में पूरी तरीके से डोमिनेट किया। धोनी का पहली बार मैंने नाम सुना 2003, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2003 विंटर्स, ये बात है जब न्यूजीलैंड की टीम इंडिया आई हुई थी और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया जाना था। सबा करीम मेरे साथ शोज करते थे आज तक पे, और उन्होंने बोला कि यार एक ना हमारे बिहार, बोला था उन्होंने, झारखंड बिहार का लड़का है विकेट कीपर, उसको तुम देखना बहुत अच्छा है। मैं कहा यार सवा भाई आप भी यार कमाल है, आप ना रीजनल बायस बहुत खेलते हो, रीजनल कार्ड खेलते हो, आप भी झारखंड बिहार के और आप भी देखिए वही कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं यार बहुत अच्छा है, और उस टाइम आई थिंक इन्होंने कैलकटा लीग्स में रन बनाने शुरू किए थे सीरियसली। मतलब जब इनका नाम 2004 में, तब सौरव गांगुली ने एक बार मुझे बताया था कि एक लड़का बहुत अच्छा आ रहा है और वो वनडे क्रिकेट का बहुत तोड़ू प्लेयर हो सकता है, उन्होंने भी महेंद्र सिंह धोनी का नाम दिया। देवधर ट्रॉफी में धोनी की शानदार परफॉर्मेंसेस की बदौलत ईस्ट जोन चैंपियन बना। धोनी ईस्ट जोन की तरफ से एज स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेले और उन्होंने ओपनिंग की। चार मैचेस में एक शतक के साथ धोनी ने जड़ दिए 244 रन, वो उस टूर्नामेंट के लीडिंग रन स्कोरर थे। उसके बाद हुई दुलीप ट्रॉफी में धोनी को लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन धोनी ने उन मौकों को पूरी तरह से भुनाया। तब दुलीप ट्रॉफी के परफॉर्मेंस के ऊपर हमारा सिलेक्शन हुआ था और तब मैंने फर्स्ट टाइम माही को देखा था फ्लाइट में, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट, हमें उतना टाइम नहीं था तो हम होटल से एयरपोर्ट गए और वहाँ माही डायरेक्ट आए थे। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा वो सीज़न, हम लोग जिम्बाब्वे केन्या टूर किया। हम एक दूसरे के लिए बहुत नए थे, हम जानते नहीं थे, लेकिन डोमेस्टिक में उनकी जो चर्चा होती थी, जो दुलीप ट्रॉफी में उनको चांस मिला लास्ट मिनट पे, हालांकि वो मेरे ख्याल से वो टीम में नहीं थे, लेकिन कोई विकेट कीपर इंजर्ड हुआ और उनकी जगह माही को चांस मिला और उन्होंने वो दुलीप ट्रॉफी में 60 या 70 रन किया। मैं और माही जब यहाँ पे थे तो माही का इंडिया गेम में सिलेक्शन हुआ था, उस रात उसका फोन आया था एक दिन पहले कि इंडिया गेम में सिलेक्शन हुआ, तो वो बहुत खुश था और उन्होंने रात में पार्टी की और रात को उसको हावड़ा आके एक ट्रेन है उसमें बैठाया, उसको रांची भेजा। उस दिन वो बहुत खुश था और अपने घर गया रांची और वहाँ से फिर वो इंडिया ही खेलने गया। तो हम लोगों ने उस दिन जब उसको खबर मिली कि उसका इंडिया टीम में सिलेक्शन, तो वो बहुत खुश था, उसको होप भी था कि मैं इंडिया में सेलेक्ट हुआ। इंडिया ए को जिम्बाब्वे और केन्या का टूर करना था। जिम्बाब्वे दौरे पर तो धोनी उतना खास नहीं कर पाए, लेकिन केन्या में हुई ट्राई सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी ने पूरी तरह से धूम मचा दी। 7 मैचेस में धोनी ने जड़ दिए 362 रन, पाकिस्तान के खिलाफ बैक टू बैक सेंचुरीज। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया। फाइनल मैच के हीरो थे धीरज जाधव और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने महेंद्र सिंह धोनी। कोई भी सिचुएशन में उनको एक भरोसा रहता है कि ये टीम कमबैक कर सकती है, जो एक कैप्टन एक प्लेयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्रिकेट करियर में। हम देखते हैं कि बहुत सारी टेंस सिचुएशन क्रिएट होती है मैचेस में, लेकिन धोनी को देख के कभी ऐसा लगा नहीं कि वो किसी भी सिचुएशन पे उन्होंने मैच छोड़ी है या किसी भी सिचुएशन पे उन्होंने वो यानी हारना पसंद किया है, जो उनकी बहुत बड़ी खूबी है। इंडियन टीम को एक विकेट कीपर बैट्समैन की तलाश थी। धोनी की शानदार परफॉर्मेंसेज उन्हें उनके सपने के करीब लेकर जा रही थी और साल 2004 खत्म होते होते धोनी का सपना हकीकत में बदलने वाला था।
ये क्लियर हो गया था कि महेंद्र सिंह धोनी अब लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के लिए तैयार है, कितनी जल्दी ये नहीं पता था। ये भी पता था कि ही इज वेरी रस्टिक, जो उनका फ्लैम्बॉयंस थी, जो उनके लुक्स थे वो भी रस्टिक थे और उनका खेल भी रस्टिक था, स्पेशली विकेट कीपिंग। बट आई थिंक सिलेक्टर्स ने ये रिस्क लिया, उनको बांग्लादेश ले गए। 23 दिसंबर 2004 महेंद्र सिंह धोनी ने बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया। सबकी नजरें धोनी पर थी, सबको उम्मीदें थी कि धोनी आएंगे और चौके छक्कों की बरसात कर देंगे, लेकिन हुआ उसके उल्टा। धोनी पहली ही बॉल पर रन आउट हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। शुरुआती चार पारियों में धोनी ने बनाए सिर्फ 22 रन, लेकिन 5 अप्रैल 2005 को काफी कुछ बदलने वाला था। और उनके लिए सबसे बड़ा जो मेरे ख्याल से डिसाइसिव, वो सब जानते हैं कि कोची वनडे के बाद सौरव ने ये डिसाइड किया। उन्होंने मुझे भी इंटरव्यू में कहा था कि यार ये धोनी जो है ना, ये पहले तीन का प्लेयर है। तो मैंने कहा दादा आप सहवाग और सचिन तेंदुलकर ये तीनों 1-2-3 हो, उन्होंने कुछ करना पड़ेगा। फिर अगले मैच में जाकर उन्होंने 3 नंबर पर बैटिंग कराई। टॉस होने के बाद जब सौरव वापस आए तो उन्होंने मुझे बताया कि आई एम बैटिंग नंबर 3। नहीं ऑब्वियसली यो एक दिवसीय क्रिकेट में खेलेगा, 3 नंबर खेलेगा कि ओपन करेगा कि 7 नंबर खेलेगा, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के हिसाब से। इस टीम में किसी का बैटिंग ऑर्डर हमेशा के लिए गारंटी नहीं होता। ऐसा सिचुएशन होगा वैसे उसको अडॉप्ट करने पड़ेंगे, बट डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल। नहीं डेफिनेटली मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि ये मेरा 5th वनडे मैच था और अभी तक मैंने 15 रन क्रॉस नहीं किए थे, तो डेफिनेटली काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी, तो मुझे परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। धोनी सौरव गांगुली के भरोसे पर खरे उतरे और 148 रनों की शानदार पारी खेली। उसके बाद धोनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगला धोनी धमाका हुआ उसी साल दिवाली से ठीक एक दिन पहले। इस बार राहुल द्रविड़ की कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी नंबर 3 पर उतरे। प्रेशर ज्यादा था, भारत 298 रनों का टारगेट चेज कर रहा था और पहले ही ओवर में सचिन तेंदुलकर आउट हो गए थे। महेंद्र सिंह धोनी ने ताबड़तोड़ 183 रन बनाए और इंडिया को जीत दिलाई। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता, विशेष में आपका स्वागत है। दिवाली धमाका, धोनी की धमाकेदार पारी और उनके बल्ले से रनों की आतिशबाजी। धोनी के बल्ले से चौके छक्कों की बौछार होती रही और श्रीलंका के गेंदबाजों की जमकर धुनाई होती रही। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी 183 रन बनाने वाले दुनिया के पहले विकेटकीपर बन गए। धोनी की धुआंधार पारी की बदौलत भारत ने श्रीलंका पर वीडियोकॉन सीरीज में तीसरी जीत दर्ज की। हाँ कह सकते हैं, इससे पहले जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पारी थी वो आप बोल सकते हैं 148 थी अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन उसमें हम फर्स्ट बैटिंग कर रहे थे और इस मैच में हम चेस कर रहे थे 290 था हमारा, हम चेस कर रहे थे 290, तो काफ़ी टफ आप बोल सकते हैं, लेकिन विकेट काफ़ी ईजी था, फ्लैट विकेट था, बैट्समैन फ्रेंडली विकेट था आप कह सकते हैं। और जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होता गया ये बैटिंग के लिए अच्छा होता चला गया, ज़्यादा ब्रेकअप नहीं था विकेट में, तो हाँ बोल सकते हैं थोड़ा टफ है, काफ़ी बड़ा स्कोर मैंने किया है, लेकिन हाँ मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट था। ये तो मैच है, सब में सेंचुरी बनाएगा कहना तो नहीं है, है ना, कभी कम भी कभी ज़्यादा भी, मगर जब सेंचुरी बनाया है तो बहुत खुशी है। आज दोहरा सेंचुरी है उसका इंडियन टीम में, बहुत अच्छा लग रहा है, महसूस क्या करें, खुशी है, सेकंड सेंचुरी मार दिया और अच्छा इससे ज़्यादा क्या लगेगा। 2005 खत्म होते होते महेंद्र सिंह धोनी का टेस्ट क्रिकेट में भी डेब्यू हो चुका था। अगले साल 2006 में पाकिस्तान के दौरे पर पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद टेस्ट में एक डिफिकल्ट सिचुएशन में धोनी ने अपना पहला टेस्ट शतक जमाया। उसी दौरे पर ओडीआई सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी ने अपने आप को एज फिनिशर एस्टेब्लिश किया और कमाल की परफॉर्मेंसेस दी। ओडीआई सीरीज जिताने में धोनी का एक अहम रोल रहा। धोनी की अच्छी बात है कि वो बड़े अनकॉम्प्लिकेटेड से प्लेयर हैं, उनका जो मेथड है वो बड़ा सिंपल सा है, उनके जहन में कोई ऐसी झलक नहीं नज़र आती है कि जिसमें वो कन्फ्यूजन अपनी गेम में पैदा कर रहे हों। रमीज ने कहा कि प्राइसलेस हैं ये भारतीय एक दिवसीय टीम में, क्योंकि नंबर 6 पे आके इस प्रकार का मैच जिताया है। धोनी कंसिस्टेंटली मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे थे और रिवॉर्ड था ICC वनडे रैंकिंग्स में नंबर 1 का ताज। 20 अप्रैल 2006 को महेंद्र सिंह धोनी ने ODI रैंकिंग्स में रिकी पोंटिंग को एज नंबर 1 बैट्समैन रिप्लेस किया। रन्स मैंने तब बनाए जब टीम को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब हम चेस कर रहे थे या जब हम एक बिग टारगेट की ओर बढ़ रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आप एक विनिंग टीम में आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसकी विनिंग परफॉर्मेंस के लिए। 2007 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया और महेंद्र सिंह धोनी दोनों के लिए निराशाजनक था। भारत पहले ही राउंड में बाहर हो गया। 21 साल के बाद इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतकर टीम इंडिया ने जख्मों पर कुछ मरहम लगाया।
और सीरीज जीत में महेंद्र सिंह धोनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थी। इंग्लैंड वाली वो जो आप पारी की बात कर रहे हैं वो अनलाइक धोनी था, क्योंकि हमें याद आता है कि 2007 में इंडिया ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया, हमें याद आता है 21 साल बाद हराया, लेकिन आप सीरीज कैसे जीते क्योंकि लॉर्ड्स का टेस्ट मैच आप हार रहे थे, जो पहला टेस्ट मैच था अब हार रहे थे, यू वर डाउन एंड आउट। इन्होंने और श्रीशांत ने लास्ट विकेट पार्टनरशिप हुई, इन्होंने 70 रन बनाए थे और मतलब टुक 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 अपने आप को संयम, जैसे कहते हैं ना कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मैंने गियर बदल लिया, वो पहली बार दिखा था उस तरह का जिम्मेदारी वाला एहसास। आई थिंक 60-70 रन थे इनके और श्रीशांत इनके साथ खड़े रहे, ये खड़े रहे। किस्मत आपकी अच्छी थी, बैड लाइट हुई और अंपायर्स ने बल्लेबाजों को लाइट ऑफर की, तब लाइट ऑफर करते थे बाहर ले गए। अब लास्ट दिन था, थोड़ा सा वक्त रह गया था, लेकिन जब लाइट और फर्दर डिटेरियोरेट होती है आप प्लेयरों को वापस नहीं लेके आ सकते। सो इंडिया के लिए बहुत नैरो एस्केप था और वो आप सही कह रहे हैं कि उसका क्रेडिट धोनी को जाता है। अगला टेस्ट इंडिया जीता, इंडिया सीरीज जीत गया, लेकिन वाकई ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि धोनी की वो जो पारी थी उसने ना सिर्फ आपको वो सीरीज जिताई बल्कि मुझे लगता है कि सीनियर खिलाड़ियों के जहन में, सेलेक्टर्स के जहन में वो जिम्मेदारी वाला जो एस्पेक्ट है ना वो भी डाला कि यार ये प्लेयर ना बहुत जिम्मेदार प्लेयर है। 2007 T20 वर्ल्ड कप एक नया फॉर्मेट जिसमें सीनियर खिलाड़ियों ने रेस्ट करने का फैसला लिया, टीम इंडिया की कमान सौंपी गई महेंद्र सिंह धोनी को। टू मेक धोनी कैप्टन आई थिंक सचिन तेंदुलकर्स हैंड वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन गिविंग द कैप्टनशिप बिकॉज लॉट ऑफ सीनियर प्लेयर्स नेवर प्लेड इन द T20 टूर्नामेंट सो दे आर लुकिंग फॉर अ यंग कैप्टन एंड देयर वाज नोन अदर देन MS धोनी। ही रिकमेंडेड टू मिस्टर शरद पवार द प्रेसिडेंट ऑफ द BCCI एट दैट टाइम एंड देन ही आल्सो रिकमेंडेड टू द चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स। इंडियन टीम से उम्मीदें कम थी पर धोनी की कप्तानी में टीम ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंसेस दी और फाइनल मुकाबले में एक कांटे की टक्कर में पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। कप्तानी के बारे में ये कह सकता हूँ कि वो कभी भी प्लेयर से सबसे अच्छा निकाल सकता है, जैसे कहते हैं ना कि कैप्टन इज द बेस्ट पर्सन हु कैन टेक द बेस्ट आउट ऑफ द प्लेयर, और वो धोनी में काबिलियत थी क्योंकि वो कभी भी प्लेयर्स को प्रेशर नहीं देता, वो प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देता था। जितना कॉन्फिडेंस देता है प्लेयर को उतना अच्छा परफॉर्मेंस करता है, और जैसा मैंने कहा कि हमारा मोटो था ही वर्ल्ड कप में प्रेशर लेने का नहीं प्रेशर देने का। जब वो साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में पहुंचा तो उस समय तो मोबाइल की उतनी नहीं थी, तो उन्होंने फ़ोन किया कि सर यहाँ के पेपर में लिखा है इंडियन टीम अंडर डॉग। आप बोले यार उसे पेपर पर से छोड़ो, तुम अपना काम करो, तुम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने का कोशिश करो और पूरा टीम को, कहा कि उस जगह जो टीम बनी थी 2020 वो यंग टीम थी, जो सीनियर्स थे और ये एकदम नया लड़का जीत के आया, आज जीत के आया, तो निश्चित रूप से आप अगर फाइनल मैच के लास्ट बॉल तक अगर याद करेंगे तो उस समय भी लोगों में ये था कि अरे लास्ट ओवर उसको जोगिंदर को दे दिया क्या है नहीं है। राहुल द्रविड़ के इस्तीफे के बाद अब ओडीआई कप्तानी भी महेंद्र सिंह धोनी के पास थी। धोनी ने कप्तान बनते ही कुछ कड़े फैसले लिए। 2008 CB सीरीज महेंद्र सिंह धोनी ने सीनियर खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप कर यंगस्टर्स में इन्वेस्ट किया। एक्चुअली लोग क्योंकि फिल्म देखी है तो वो 2008 CB सीरीज की बात करते हैं, वो सिलेक्शन पर्थ में थी टीम, पर्थ टेस्ट मैच जीते थे और चार दिन में हम टेस्ट मैच जीत गए थे, पांचवें दिन जो होता उस दिन टीम सेलेक्ट हुई थी, तकरीबन वहाँ पे लोकल टाइम 4 या 5 बजे की बात है और मैं दादा से बात कर रहा था, सौरव गांगुली, वो पर्थ में जो टीम होटल है उसके बिल्कुल बैक साइड पे रिवर है, तो वो वॉक कर रहे थे। सौरव का बिकॉज तब तक जो 3 टेस्ट मैच हुए थे, पहले जो 2 टेस्ट मैच थे मेलबर्न और सिडनी में, चारों पारियों में सौरव के रन थे, चारों पारियों में, पर्थ में वो फेल हुए और मुझे लग रहा था कि नहीं सौरव टीम में होंगे, और जैसे ही मैंने उनको बताया कि दादा आप टीम से ड्रॉप हो गए हो, ही डिडंट बिलीव इट, आई कुड सी हिम, वो पीछे गार्डन एरिया से ऐसे चलते हुए आ रहे थे, चिप्स खा रहे थे, चिप्स का पैकेट उनके हाथ में था और दूर से मैं देखता हूँ कि उनका रिएक्शन, मेरे से फोन पर बात करते करते एकदम वो रुक जाते, चिप्स का पैकेट ऐसे हाथ में है, ही स्टैंड स्टिल, रुक गए 5-10-15 सेकेंड, उसके बाद वहां पे वुडन बेंचेस लगे होते ना जैसे, वहां बैठ गए। सौरव गांगुली वॉज डेवास्टेटेड क्योंकि उन वो चाहते थे वनडे क्रिकेट और खेलना। धोनी के फैसले एक बार फिर सही साबित हुए, भारत ने CB सीरीज अपने नाम की।
वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, नंबर वन ओडीआई टीम ऑस्ट्रेलिया, धोनी की टीम के सामने जरा भी नहीं टिक पाई। बेस्ट ऑफ थ्री फाइनल्स में टीम इंडिया ने दोनों फाइनल मुकाबले जीतकर ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने चित कर दिया। विवादों के बाद, इतनी लड़ाई होने के बाद, उसके बाद जीतना और जीतना उनकी जमीन पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2008 में आईपीएल की शुरुआत हुई, महेंद्र सिंह धोनी को सबसे बड़ी रकम मिली। धोनी चेन्नई के कप्तान बने, एक ऐसी टीम जिसने आईपीएल में आगे चलकर अपनी बादशाहत जमाई। महेंद्र सिंह धोनी had been bought by Chennai at $1.5 million. What are the criteria? He's the best and he's a multi-dimensional player. So we have the opportunity, we have the unique privilege that the captain of India is also the captain of the Chennai Super Kings. Do you think he's really worth this much? 6 crore rupees. It's priceless. अनिल कुंबले के रिटायरमेंट के बाद धोनी अब तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान थे। दिसंबर 2009, श्रीलंका को टेस्ट सीरीज में हराकर धोनी ने एक और करिश्मा किया। टीम इंडिया पहली बार टेस्ट हिस्ट्री में नंबर वन बनी। जिस टेस्ट क्रिकेट में हम हमेशा पीछे थे और कहीं नाम नहीं था, हमेशा तमाम क्रिकेट खेलने वाले लोग जो इसको पहचानते ये कहते थे कि शायद इंडिया उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन आज ये पिछले 10 सालों की मेहनत जो है रंग लाई है, तो इतना कह सकते हैं कि आज हम गौरव से अपने कॉलर खड़े कर सकते हैं। धोनी की टीम इंडिया को अब जीतने की आदत लग गई थी, लेकिन अब चुनौती सबसे बड़ी थी 2011 का वर्ल्ड कप। महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने 28 साल का सूखा खत्म किया। वानखेड़े स्टेडियम में धोनी की टीम ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को हराया। फाइनल मुकाबले में एक डिफिकल्ट सिचुएशन में महेंद्र सिंह धोनी ने एक फैसला लिया, खुद को प्रमोट किया और नॉट आउट 91 रन्स बनाकर टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया। धोनी ने छक्का लगाया और पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूब गया। और आज हमने वर्ल्ड चैंपियंस की तरह बैटिंग की। आई थिंक माही और गौतम की जो पारी थी, उन्होंने ऐसे बैटिंग की जैसे वो कोई नॉर्मल इंडिया का मैच खेल रहे होते। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में ऐसी बैटिंग करना इज क्वाइट कमेंडेबल। इमोशनली आई वाज कंफ्यूज्ड, आई वांटेड अ विकेट। मैं थोड़े बीच विकेट तक था, देन आई वेंट फॉर दैट साइड, सेड युवराज पास है वो उधर से विकेट ले लेगा। देन आई केम बैक, आई सेड हग वक तो बाद में करते रहेंगे, पहले विकेट ले लेते। सो आई वेंट बैक, आई टुक द विकेट एंड तब तक ये आ गया था, छाती पे चढ़ गया था, सर पे मार रहा था। 2011-12 सीजन में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-0 से बुरी तरह से हराया, लेकिन अगली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में घर पर धोनी की टीम ने हिसाब बराबर किया और पहली बार ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप किया। वो सीरीज धोनी के लिए भी खास रही और धोनी भारत की तरफ से डबल सेंचुरी जड़ने वाले पहले विकेटकीपर बने। यही ध्यान में था कि मतलब अच्छा करना है, और स्पेशली आफ्टर 4-0 ऑस्ट्रेलिया में हार के आने के बाद दिमाग में यही था कि मतलब 100% देना है और बाकी जो होगा देखा जाएगा, और गॉड विलिंगली मतलब हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 2013 में इंडियन क्रिकेट एक बुरे दौर से गुजर रहा था। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग ने इंडियन क्रिकेट को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। इस दौरान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया इंग्लैंड जाती है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस दी और एक भी मैच नहीं हारा और चैंपियन बनकर उभरे। धोनी आईसीसी की तीनों ट्रॉफीज जीतने वाले पहले कप्तान बने। इंडियन क्रिकेट को इस समय इसकी जरूरत थी। हम 2 साल अच्छे खेले नहीं थे और ये हमें बहुत बड़ा बूस्ट मिला, और बधाई धोनी को, इंडियन टीम को, बहुत बेहतरीन यार, एक मैच हारे भी नहीं है पूरा टूर्नामेंट में, तो बहुत खुशी हुई उनको खेलते ऐसा खेलते हुए देखते। आई थिंक उससे बड़ा क्रिकेटर ही नहीं आया जो उसने देश के लिए किया। आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम। मैं तब क्रिकेटर मानता हूँ जैसे सनी भाई ने लास्ट टेस्ट मैच में इतने रन किए कि हिम्मत ही नहीं थी किसी की ड्रॉप करने की। अगर वो चाहते आज भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहे होते। उन्होंने 90 टेस्ट खेले और बोल दिया कि आई थिंक लेट गिव चांस टू द यंगस्टर। ये एक बहुत बड़ी बात है। आप देश के लिए जो आपका जुनून है उसको छोड़कर आप दूसरों को मौका देते हो, तब आप बड़े प्लेयर बनते हो। आई थिंक धोनी डिड दैट, हैट्स ऑफ टू हिम। 2014 भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा। बीच दौरे में महेंद्र सिंह धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया। 2015 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का सफर सेमीफाइनल में खत्म हुआ। उसके बाद बांग्लादेश में हुई वनडे सीरीज में जब भारत को हार का सामना करना पड़ा तो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पर काफी सवाल उठे, और उसके बाद
कानपुर में हुए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहले वनडे में जब महेंद्र सिंह धोनी मैच फिनिश नहीं कर पाए तो पहली बार इंडियन क्रिकेट फैंस का गुस्सा महेंद्र सिंह धोनी पर जमकर बरसा। भारत ये जो मैच हारा है इससे प्रूव होता है कि भारत में अब कप्तानी बदलनी चाहिए। बहुत निराशा है इंडिया के, वो धोनी बाहर कर देना चाहिए। 2016 T20 वर्ल्ड कप भारत में हुआ लेकिन भारत का सफर सेमीफाइनल में खत्म हो गया और पहली बार धोनी की रिटायरमेंट को लेकर सवाल उठने लगे। धोनी ने भी उन सवालों को अपने ही अंदाज में बाउंड्री के पार भेज दिया। You want me to retire? No, well, okay. I just want to ask you. I was hoping it was a Indian media guy, but you know, because I can't really say if you have a brother or a son who can play for India or is a wicket keeper. Do you think I'm unfit? No. Looking at me running? Very fast. You think I can survive till the 2019 World Cup? Sure. Yes, sure. Then you have answered the question. Thank you, sir. You're forgetting something? 2017 की शुरुआत होते ही धोनी ने कप्तानी की कमान विराट कोहली को सौंप दी। He spoke about quite a good things. How are the things going ahead for and all. But on the last day, he informed BCCI and also me, since I am there, that he's quitting captaincy and it's time to move on. अब धोनी के हर एक फेलियर पर धोनी की टीम में जगह को लेकर सवाल उठते थे लेकिन धोनी भी अपनी परफॉर्मेंसेस से क्रिटिक्स का मुंह बंद करा देते थे। 2019 में ऑस्ट्रेलिया में हुई ओडीआई सीरीज में धोनी ने तीनों मैचेस में हाफ सेंचुरी जमाई। धोनी ने टीम इंडिया को जीत दिलाई और प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। धोनी ने एक बात साफ कर दी कि एक्सपीरियंस का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। You know, he is captain India for so many years and he's been such a successful captain for India. So him being around with the team always is helpful. And yes, he's like a guiding light, I would say, around the group. And I think also with the bat, batting down the order, getting us through the line, that finishing touch is very, very important. He's finished so many games for us, so that role that he plays is very, very important in terms of his batting. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई होम सीरीज में रांची वनडे के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने रेस्ट लिया। अब बारी थी 2019 वर्ल्ड कप की और टीम इंडिया और कैप्टन विराट कोहली को पता था कि धोनी की अहमियत क्या है। If he is going through a phase where you know he has to work things out, he deserves that respect. It's not like I gave it to him. I mean, you look at what he's done for the country, no one can give him that space. He deserves it. So we were just doing our bit to tell people that you know you need to think in a sane manner. It's not like we are giving him something. He deserves this and he's intelligent enough to know what's going on in his life and in his cricket, everything. So it was important to give him space, which people didn't have much patience at that time, but now after you know 12 months people are saying he's the most important factor in the World Cup, which is true. So we knew it deep down all along, but it was just about letting that phase go through, and he is what he is. I mean, you don't need to discuss that. I think the best thing for Virat really is the fact that he's got Mahendra Singh Dhoni around as the wicketkeeper, and you see him every time he's playing towards the end when the fielders are well spread out, and Virat being one of our top fielders has to be in the deep to make sure he takes those catches, saves those boundaries. He's in the deep, and from the deep it's not always possible to be able to move those square fielders because you're not in a very good position, and that's where MST comes into play. MST moving the fielders just a little bit to the left or to the right, telling the bowler what to do. I think that is Virat's biggest plus. Bola ki World Cup aane wala hai, to maine bola theek baat hai, to bola uncle mujhe 1999 mein aapne black sticker ka pass diya tha, लेकिन मुझे जो बीसीसीआई का इंडिया कलर, इंडियन टीम का कलर है ब्लू, मुझे जो बैट का स्टिकर है वो ब्लू चाहिए। तो मैंने बोला यार हम ब्लू बनवा देंगे, नो प्रॉब्लम। मैंने बोला माही भाई, इतना बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का हो रहा है और आपको
किसी मल्टीनेशनल कंपनी से या इंटरनेशनल कंपनी से रियलिटी बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, सब कुछ हो सकता है, और इन करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट हैं ये बैट के स्टिकर्स के लिए जो आपके बड़ी कंपनीज बाई. हाँ वो तो है कोई बात नहीं, लेकिन आई डोंट वॉन्ट, कहते हैं बात मशीन मेरे कुछ नहीं चाहिए. उम्मीद थी कि इंग्लैंड से टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेकर लौटेगी, लेकिन ये सपना न्यूजीलैंड के खिलाफ हुए सेमीफाइनल में टूट गया. भारतीय टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया. रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने उम्मीदें जगाई, दोनों ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, और जब तक धोनी क्रीज पर थे तब तक पूरे हिंदुस्तान को भरोसा था कि इंडिया फाइनल में जरूर पहुंचेगी. इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, द बिलीफ दैट पीपल हैव इन हिम, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट प्लेयर फील्स प्राउड अबाउट दैट. ओके आई मीन वी आर इन डायर स्ट्रेट्स बट पीपल स्टिल बिलीव दैट आई कैन गो एंड फिनिश द गेम. And he was capable. I mean, he, whatever. 100%. The game wasn't over, and that's why I kept telling you that the game is not over yet. धोनी ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन टीम इंडिया और पूरे भारत का सपना वो पूरा नहीं कर पाए. वर्ल्ड कप के बाद धोनी ने क्रिकेट से ब्रेक लिया, तो एक बार फिर से रिटायरमेंट की खबरों ने जोर पकड़ लिया. देखिए वो अपना मर्जी का मालिक है, कोई नहीं जानता, माँ बाप भी नहीं जानता, बीवी भी नहीं जानते, तो हम लोग को दूर का बात है. वो क्या कर लेगा, कहाँ पर कुछ कर लेगा, कुछ नहीं जानता. ही इज अनअवेलेबल फॉर दिस सीरीज. इट डिपेंड्स ऑन हिम, यू नो. आई हैव ऑलवेज सेड, इवन व्हेन आई वाज लेफ्ट आउट and when the entire world said that, you know, he'll never make it, I believed in myself and came back and played for 4 years. You know, champions don't finish very quickly. I don't know what's in his mind, what he thinks about his career, so we'll deal with that. You know, he's one of the greats of the game. India is very proud to have MS Dhoni. Over a period of time, his achievements is, when you sit down and take note of what he's done, is you say wow, you know, MS Dhoni. So till I'm around, everybody will be respected. So that doesn't change. When you decide to stop playing is absolutely an individual thing, and no one else should have any opinion on it. That's what I think. And you know, as long as he's available and continues to play, he's always going to be very, very valuable. Cricket se break ke dauran Dhoni sena se jude. Territorial Army mein Dhoni ko honorary lieutenant colonel ka pad bhi mila hua hai. और धोनी और आर्मी का ये बॉन्ड कोई नया नहीं था. शुरुआत से ही महेंद्र सिंह धोनी को इंडियन आर्मी से बहुत ही गहरा लगाव है. मैं चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊं, बट अगर आप रियलिस्टिकली आज के कल्चर में देखें तो यू नो काफ़ी दूसरे प्रोफेशन हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं. यू नो काफ़ी लोग हैं जो दूसरे प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं कंपेयर टू going into the army, but at the same time aise log bhi hain who want to come to the army also. I feel to end, I would like to say something, whether I don't know whether I should say it on camera or not, but India mein aisa culture aa gaya ki har koi chahta hai Bhagat Singh paida ho, but all of them want ki ye baju wale ke ghar mein paida ho, mere ghar mein paida na ho. So I think we, you know, hame chahiye ki ye soch ko hum change kare. And I feel that's why जो कि second generation, third generation या fourth generation army में हैं, you know, they have very high regard from my side, because you know it's a tough place to be in, but I think you know they're very motivated and they definitely want to do something, prove a point. That's why they are here. So you know, hats off to all of them. आजकल धोनी परिवार के साथ quality time spend कर रहे हैं. कभी धोनी जीवा को बाइक राइड कराते नजर आते हैं, तो कभी अपने पेट्स के साथ मस्ती करते हुए नजर आते हैं, और अभी तो हाल फिलहाल में धोनी ने ऑर्गेनिक फार्मिंग भी शुरू की है, जिसके लिए धोनी ट्रैक्टर चलाते हुए भी नजर आए हैं. कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे, तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, यू नो डजंट मैटर. तो
धोनी के जन्मदिन पर ये थी हमारी खास पेशकश। इस वीडियो पर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर भी करें, और अगर ऐसी ही स्टोरीज आपको और चाहिए तो मुझे सोशल मीडिया के जरिए बताएं। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें।